एलर्जी हो गई, पैदल चाल चाल के पाव में एलर्जी होगी, डॉक्टर का पैसा कौन देगा? मन तो ये चीज की बताओ, डॉक्टर का पैसा कौन देगा? एक घंटा हो गया सर यहाँ खड़े हुए, हमारी छाती बो रहे हैं, हमारी छाती बो रहे हैं, क्योंकि दुकान का रखे धंधे एक मिनट का भी नहीं है, किराएदार किराए देना, घर को घर भी बच्चों को पालना, सोची दर्दी है। पर ये काम तो करो, मेरा भाई रोटी खाएगा, सो जाओ सो। ये किस लिए रोड बना रखे? रोड को बंद ही कर दो, यहाँ के रोड गिरवा दो मोटे मोटे, यहाँ को आना जाना बंद कर देगा, दुकान वाले बने यहाँ दुकान छोड़ के चले जाएंगे। इनमें से कोई विकास तो करता चैनल देख रहा हूँ, इनको दोनों को छोड़, दोनों को छोड़, नया चेहरा देखो या फिर कोई नया चेहरा। ये संदीप बना, इसको भी देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा इनसे। आप मतलब जो नेताओं के बारे में बोल रहे थे, कुछ नेताओं के बारे में ये बोल रहा था कि ये देखो रोड का हाल, भाई रामविलास को जब वोट दिए, हमने खुद वोट दिए, भाई सीएम बनेगा, सीएम सिटी बनेगी महेंद्रगढ़, ये सीएम सिटी का हाल देख लो। इस मकसद से वोट दिए थे कि सीएम बनेगा, हमने खुद वोट दिए थे, दिलवाए थे भाई यार दोस्तों से, भाई बंदों से, लेकिन ये हाल देख लो। उसके बाद क्या हुआ भाई, ठीक है इसने, उसके बाद दान सिंह को वोट दिए, दान सिंह का ये हाल देख लो, बीजेपी आई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस का यही हाल है। इससे बढ़िया तो ये क्या नाम, रमेश पाल्टी ठीक था भाई, बुढ़े थे आँखों तो बनवाई, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ खाए हड़प दिए। वैसे ये जो गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, ये गड्ढे हमारी छाती बो रहे हैं, क्योंकि दुकान का रखे धंधे एक मिनट का भी नहीं है, किराएदार किराए देना, घर को घर भी बच्चों को पालना, सोची दर्दी है। ये कितने गहरे गड्ढे हैं, ये मतलब ये गुड्ढे धक्के गड्ढे हैं। कल भी एक लेडीज पड़ गई, उसका पैर टूट गया बेचारे, पता क्या करेगा कौन, उसका मर जाना भर देगा, वो गाड़ी पीछे मार देता जाना भरा जाए भाई, वो गाड़ी वाला ने मार दिया, अब यहाँ का हरजाना कौन भर देगा? ये सरकार भर देगी? ये किस लिए रोड बना रखे? रोड को बंद ही कर दो, यहाँ के रोड गिरवा दो मोटे मोटे, यहाँ को आना जाना बंद कर देगा, दुकाने वाले बने यहाँ दुकान छोड़ के चले जाएंगे, अपने घर को और धंधा करें, जमींदारा करें या और कुछ भी करें, वो सौ काम है, यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे बिल्कुल। ये बहुत बुरा हाल है सरकार का। ये जो हमें मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना, गड्ढा जो है ये काफी गहरा गड्ढा है, तो कितनी मतलब कितना, एक फुट है, दो फुट है, कितना है? गड्ढा है पूरा एक फुट का गड्ढा है। अच्छा, दिन में तीन गाड़ियां टोचन करके निकाल ली इसमें से, और अगर चाहो तो मैं अंदर जाके बताऊंगा आपको। उधर से चलो, फिर उधर से आ जाओ, देख लो सर, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है। ये देखिए गड्ढा जो है यहाँ पर कितना गहरा गड्ढा है, और मेरे हिसाब से उस कॉर्नर पर तो देखेंगे तो और भी ज़्यादा गहरा गड्ढा होगा। ये तो थोड़ा आगे का हिस्सा आ गया, वो जो गाड़ी दिख रही है आपको, अगर वो गाड़ी इसमें आ जाए तो गाड़ी यहाँ पर टिक जाएगी, नीचे टिक जाएगी, और इसी वजह से तो विशेष बात यही है कि वो जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है, ये सारे रोड इस तरफ इस तरह के हैं कि सर हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, पर हमें तो अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास। ये सर जा रहे हैं, एक मिनट रुको, ये सुन कर जाओ इनके पास, ये गाड़ी कैसी आ रही है, देखो ये गाड़ी देखो कैसी आ रही है, ये हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमने पिछली बार शर्मा जी को वोट दिए थे, अब की बार दान सिंह को वोट दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई क्षेत्र का विकास करने के लिए आइए, इनमें से भी कोई आए तब उनको भी वोट देंगे, पर इनमें से कोई विकास तो करता चैनल देख रहा हूँ, इनको दोनों को छोड़, दोनों को छोड़, नया चेहरा देखो या फिर कोई नया चेहरा। ये संदीप बना, इसको भी देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा इनसे बढ़िया। अपने कोई महेंद्रगढ़ क्षेत्र से कोई एमएलए में खड़ा हो ना, हम तो उनकी सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दोनों छोड़ेंगे। बाकी ये देख लो, अब ये देख लो, ये उड़ान देख, उड़ान दिखा भाई, देख ये देखिए क्या है, ये नहीं वो हाल सड़कों का काफी बुरा है यहाँ पर, काफी आमजन जो है यहाँ पर परेशान है। हमें किसी नेता से वो नहीं है, पर ये काम तो करो, मेरा भाई रोटी खाएगा, सो जाओ सो आराम से, हेलीकॉप्टर मत जाओ सो जाओ सो, धंधा बिल्कुल कोई चाय पीने भी ना सके, तो ट्रक वाला ये बेचारा फंसा पड़ा है, एक घंटा हो रहा खड़ा है ट्रक वाला, ने घंटा हो गया बताया क्या घंटा हो गया तेरा खड़ा, एक घंटा हो गया सर यहाँ खड़े हुए। इस रोड वाले भाई साहब को भी यहाँ पर एक घंटा हो चुका है। महेंद्रगढ़ से नारनौल का रास्ता 20 मिनट का है, रोड की वजह से डेढ़ घंटे का रास्ता हो रहा है।
तो चलिए आम जो जन है काफी परेशान है, यहाँ शाम का समय हो चुका है और अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे एक वीडियो को शेयर करें। पैरों में एलर्जी और हो गई, पैदल चाल चाल के पाँव में एलर्जी होगी, डॉक्टर का पैसा कौन देगो? मन तो चीज की बताओ, डॉक्टर का पैसा कौन देगो? एलर्जी और इस जगह से दूसरी जगह उस रोड पर जाना हो तो कैसे जाएं? ऐसे ऐसे जा रहे हैं, दिखाओ ऐसे जाते हो भाई, या फिर सही तरीके से जाना पड़ता भाई? भाई नहीं, भाई नहीं, ये तो आप हो, आप हो, एक आप हो या और कोई आने जाने वाला, वो तो बाइक ले लेगा, हम क्या लेंगे? नहीं हम क्या लेंगे, चाय वाला क्या लेगा, बाइक पे चाय ले जाएगा। आपकी एक बात मानता हूँ, ये बताओ आप, वो भाई की बात में संतुष्ट हूँ, आप आ गए तो आपने उधर चाय बोल दी, तो मैं पैदल जाऊंगा ना, बाइक लेके जाएगा, एक मिनट बड़े भाई मेरे पास, भाई चाय बाइक लेके जाऊंगा, पैदल जाऊंगा ना, चाय देने के लिए बाइक लेके जाएगा। पैरों का हाल देख, क्या हाल हो रहा है, दानों पे सप्लाई करनी उनको, तो एलर्जी होगी। और क्या है, और क्या है भाई, अगर आपको चाय इस दुकान से और सामने की दुकान में चाय देनी हो तो आप वहाँ चाय देने नहीं जा सकते, ऐसे जाएंगे भाई, मतलब ही नहीं है, मना कर देते, क्या करे, मजबूरी हमारी, क्या करे, जाऊंगा तो जाऊंगा, ऐसे भी बुरा हाल हो जाएगा, पैरों का ऐसे बुरा हाल हो गया नीचे से, एलर्जी हो रही, देख ऐसा बुरा हाल हो गया, पैसा रेवाड़ी में, वो महेंद्रगढ़ में डॉक्टर भी खतर में, रेवाड़ी बस करने जाना पड़े। चलो ठीक है, आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।